ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बमनी में दो लोगों ने एक व्यक्ति को उसी की दुकान से खींच कर हाथ बुक्कों से मारपीट कर सर में ईंट मारने से घायल कर दिया। 14 फरवरी की रात्रि 9 बजे करीब यहां घटना आपसी रंजिश के चलते हुई। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपक नंदा गौली अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है, जिसकी किराना दुकान भी है। वह अपने गांव के ही मुकेश नगर जी के साथ किसी बात को लेकर उसकी आपसी रंजिश भी बनी हुई थी। 14 फरवरी की रात 9 बजे अपने दुकान में बैठा हुआ था। उसी समय मुकेश नगर जी अपने एक साथी के साथ दुकान में आया और उसको नंदा गौली को अश्लील गाली देने लगा और बाहर खींच कर दोनों हाथ से हाथ बुक्कों से मारपीट कर दिया। वहीं मुकेश नगर जी ने वहीं पड़ी ईंट उठाकर दीपक नंदा गौली के सर में मार दिया और दोनों फरार हो गए। मारपीट में दीपक नंदा गौली घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। वनांचल तहसील परसवाड़ा में भी क्षत्रिय पवार समाज संगठन के तत्वाधान में गुरुवार को बसंत पंचमी के पावन पर्व पर राजा भोज जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें राजा भोज की संस्कृति हमारे धर्म और राष्ट्र के गौरव की झलक दिखाई दी। शोभा यात्रा में रथ पर सवार परमार वंशज के कुलभूषण राजा भोज की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। यह शोभा यात्रा सर्वप्रथम बघोली से प्रारंभ हुई, जिसमें बघोली पवार समाज के द्वारा देवी मंदिर चौक से एक बाइक रैली निकाली गई, जो परसवाड़ा राम मंदिर तक राजा भोज और श्री रामचंद्र के जय घोष के साथ पहुंची, जहां से 36 ग्रामों से आए सकल पवार समाज के लोग यहां एकजुट हुए, जहां से इसे भव्य रैली का इसे रूप दिया गया। यह रैली ढोल नगाड़ों के साथ परसवाड़ा से प्रारंभ हुई, जो परसवाड़ा बस स्टैंड सहित विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए बीजा टोला चौक पहुंची। इस भव्य रैली में विभिन्न ग्रामों से आए सैकड़ों की संख्या में पुरुषों और महिलाओं सहित बच्चों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया, जहां से रैली कार्यक्रम स्थल नवनिर्मित पवार सामुदायिक भवन पहुंची, जहां विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक और मंत्री गौरीशंकर बिशेन भी पहुंचे, जिन्होंने सर्वप्रथम राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजन किया, जिसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आयोजित मुख्य समारोह में राजा भोज को याद करते हुए अतिथियों ने कहा कि वे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ सम्राट थे, विलक्षण योद्धा थे, अद्भुत पराक्रमी तथा कुशल प्रशासक थे। अपने अद्भुत कृत्यों के कारण ऐतिहासिक होते हुए भी पौराणिक हो गए थे। साथ ही चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज के पराक्रम का बखान करते हुए राजा भोज के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने और उनके शौर्य गाथा से संकल्प लेकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का भी संकल्प लिया गया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच प्रधान
इंतजार कर रहे थे एक भव्य शोभा यात्रा परिसर नगर हम लोग समस्त लिंगा सर्कल के तमाम स्वजातीय बंधु परसवाड़ा नगर का भ्रमण करते हुए ग्राम पंचायत कोस्ते के परिसर में स्थित हाई स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्र से सटे पुराने स्कूल को डिसमेंटल किए जाने का पुनः आवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व जन शिक्षा केंद्र को भेजा गया। ग्राम पंचायत की तरफ से इस आवेदन में उल्लेख किया गया कि शीघ्र ही प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल के इस इमारत को डिसमेंटल किया जाए ताकि बच्चे सुरक्षित रूप से इस परिसर में खेल सके। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कोस्ते के अंतर्गत यह स्कूल की पुरानी इमारत करीब 50 वर्ष पुरानी है, मगर वर्ष 2016 में नवीन भवन बनने के कारण इस इमारत का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यह इमारत काफ़ी जर्जर अवस्था में है, जिसे तत्काल डिसमेंटलिंग किए जाने की भी मांग की जा रही है। क्या है जो साला की जो पुरानी बिल्डिंग है ना, वो क्षतिग्रस्त हो गई है, जीर्ण थी हालत में, वो कभी भी गिर सकता है, बच्चे लोग खेलते कूदते हैं, इसलिए वहाँ कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो अपने डिसमेंटलिंग के लिए लिख दी है इसको। इसके लिए हमने एडीएम मैडम और बीआरसी को लेटर लिख चुका है, अभी तक वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। आदेश के अनुसार हमने सरपंच महोदय को, ग्राम पंचायत कोस्ते को दो बार आवेदन दे दिया डिसमेंटल के लिए। क्या चाहते हैं? डिसमेंटल होना चाहिए क्योंकि बहुत जर्जर स्थिति में है भवन। फिर अभी कैसे लगाते हैं? अभी जो स्कूल लग रहा है वो जर्जर स्थिति में नहीं है, जो पहले जो बना हुआ है वो डिसमेंटल के लिए, जो कवेलू वाला है, बाकी छत वाले तो ठीक है। तो अभी सर वहाँ कोई क्लासें लगती नहीं? अभी तो नहीं, हम लोग जब से आए उसके पहले से क्लासें तो नहीं लगी है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डिसमेंटल हो जाए। तो आपने किस किस को दिया है आवेदन? इसके पहले सर ने, गेडाम सर ने पंचायत में भी दिए हैं और बीआरसी को भी दिए हैं। बीआरसी लालवरा नगर मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कटंगझरी में नव युवक पट समिति के तत्वाधान में 14 फरवरी से जारी दो दिवसीय बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता का 15 फरवरी को फाइनल दौड़ के साथ समारोह पूर्वक समापन किया गया। आयोजित दो दिवसीय बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता में बालाघाट जिला सहित मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य की आधा सैकड़ा से अधिक बैल जोड़ियों को दौड़ाया गया और 15 फरवरी को फाइनल दौड़ सम्पन्न हुई, जिसमें सोहेब पटेल नांदी की बैल जोड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिन्हें अतिथियों के हस्ते प्रथम पुरस्कार 18,000 रुपये प्रदान किया गया। इसी तरह अन्य विजेता बैल जोड़ी मालिकों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। आज का पूरा पट बहुत शानदार पट प्रतियोगिता हुई और सिवनी जिले से, बालाघाट जिले से, महाराष्ट्र से भी, जिले से ही नहीं दूसरे प्रदेश से भी जोड़ियां आई हुई थी और 80 जोड़ियों ने इस पट प्रतियोगिता में भाग लिया और बहुत शानदार पट हुआ। कितने धापेवाड़ा बालाघाट मार्ग पर उस समय कौतूहल का विषय बन गया जब धापेवाड़ा बालाघाट मार्ग से आने जाने वाले वाहन चालकों को एक विशालकाय भालू रोड किनारे मृत अवस्था में दिखाई दिया। सभी राहगीर रुक रुक कर भालू को देख रहे थे, तभी पता चला कि भालू की मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गई है। उसके बाद राहगीरों के द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और भालू के अंतिम संस्कार की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से लगे ग्राम धापेवाड़ा के निकट अम्बा माई मंदिर के पास एक भालू मृत अवस्था में दिखने के बाद वहां देखने वालों की भीड़ लगना शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी की सुबह भालू रोड क्रॉस करते समय किसी अज्ञात वाहन से टकरा गया होगा, जिससे भालू की मौत हो गई होगी, ऐसा प्रथम दृष्टानुमान लगाया जा रहा है। राहगीरों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, वैसे ही विभाग का अमला तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा और भालू के अंतिम संस्कार की कार्रवाई शुरू की गई। वहीं प्रभारी रेंजर अजय कुमार ने बताया कि उनके बीट गार्ड के द्वारा उन्हें सूचना दी गई कि रोड किनारे एक भालू मृत अवस्था में पड़ा है, जो कि धापेवाड़ा बीट के अंतर्गत आता है और मौके में प्रथम दृष्टया यह एक्सीडेंट में भालू की मृत होना पाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि भालू के शरीर पर किसी प्रकार के कोई निशान नहीं पाए गए, जिससे हत्या का अंदेशा नहीं लग रहा है। वहीं रोड पर खून देखकर यही लग रहा है कि भालू किसी एक्सीडेंट का शिकार हुआ होगा। जानकारी मेरे बीट गार्ड द्वारा बताया गया सुबह मुझे 6:30 बजे लगभग समय 6:30 बजे कि एक मृत अवस्था में एक भालू रोड किनारे पड़ा है, कक्ष समाज 685 किनारे धापड़े बीट में। क्या लग रहा है? मौके में एक्सीडेंट लग रहा है,
कोई निशान भी खसे, उसके निशान भी खून पड़ा है रोड पे। आपको यह भी बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है कि वाहनों की टक्कर से भालू की मौत हुई हो। लगातार एक सप्ताह में 3 वन्य प्राणियों की मौत वाहनों के टकराने से हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वन्य प्राणी की अधिकता की उनकी मौत का कारण ही बन रही हो। इससे पहले भी 10 फरवरी को शंकर घाट से बजरंग घाट के बीच वन्य प्राणी चीतल की मौत ट्रेन से टकराने से हुई थी। उसके बाद वन विभाग के द्वारा रेलवे विभाग को भी पत्र लिखा गया था कि शंकर घाट से बजरंग घाट के मध्य वन प्राणियों की आवाजाही बनी रहती है, वहां से ट्रेन की रफ्तार को कम किया जाए जिससे कि वन्य प्राणियों की मौत ट्रेन से टकराने से ना हो। वहीं 15 फरवरी को अब धापड़ा बीट में भी डिप्टी रेंजर के द्वारा बताया गया कि यहाँ भी वन्य प्राणियों की अधिकतर आवाजाही बनी रहती है। इसी दौरान वन्य प्राणी भालू रोड क्रॉस करते समय किसी अज्ञात वाहन से टकरा गया होगा। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुरसुड़ी में शराब में धुत एक व्यक्ति ने अपने पत्नी के चरित्र पर शक कर उस खेत में ही हाथ बुक्कों से मारपीट कर घायल कर दिया। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धनेश्वरी कमाई का ग्राम बेने गांव का है। 6 वर्ष पहले ही धनेश्वरी की शादी वीरेंद्र बनोटे ग्राम कुरसुड़ी निवासी के साथ हुई, जिनके 2 बच्चे हैं। वीरेंद्र बनोटे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहता है और वह खेती किसानी करता है। बताया गया कि वीरेंद्र बनोटे शराब पीने का भी आदी है। वह अपनी पत्नी धनेश्वरी के चरित्र पर शक कर उसे मारपीट कर परेशान करते रहता था। वीरेंद्र बनोटे के परिवार में उसके माता पिता और भाई लोग हैं, जिन्होंने इस वर्ष रबी की फसल लगाई और अभी रबी की फसल की रोपाई भी चालू है। 15 फरवरी को 3 बजे करीब धनेश्वरी बाई अपने खेत में अन्य मजदूरों के साथ गए हुए थे और कृषि कार्य कर रहे थे। परिवार के लोग अन्य लोग भी खेत में काम कर रहे थे, तभी वीरेंद्र बनोटे शराब पीकर खेत आया और अचानक अपनी पत्नी धनेश्वरी को उसके चरित्र पर शक कर उसे अश्लील गंदी गालियां देने लगा, हाथ बुक्कों से मारपीट कर उसे गिरा दिया। वहीं खेत में ही घसीट कर मारपीट करने लगा जिससे धनेश्वरी घायल हो गई। परिवार के लोगों ने बीच बचाव किया जिसके बाद घायल धनेश्वरी को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। शहर में चोरी की वारदात अब रुकने का नाम नहीं ले रही। अज्ञात चोरों के द्वारा लगातार सुने मकान, बैंक, ATM मशीन जैसे संस्थानों को अपना निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अभी हनुमान चौक में पंजाब नेशनल बैंक में चोरी की घटना का खुलासा भी नहीं हुआ था कि अब पुनः 2 दिन बाद शहर के भटेरा चौकी पंप हाउस गली और आवला झरी के एक टेंट हाउस में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस के द्वारा अभी तक चोरी की घटना के 24-48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। आपको बता दें कि 11 व 12 फरवरी की मध्य रात्रि हनुमान चौक के पंजाब नेशनल बैंक में चोरी का असफल प्रयास के बाद अज्ञात चोरों ने बुधवार व गुरुवार की रात एक नहीं 2 स्थानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मात्र 4 दिनों के भीतर 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटना ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के दावों को सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहला मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 2 के भटेरा पंप हाउस गली का है, जहां बीती रात चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाया। वहीं दूसरा मामला भरवेली थाना क्षेत्र के आंवलाझरी बगोली मार्ग के पास का, जहां संचालित एक डेकोरेशन की दुकान में अज्ञात चोरों ने शास्त्रीय ढंग से 80,000 रुपये चुराए और पुलिस को गुमराह करने के लिए CCTV कैमरे के DVR बॉक्स को साथ में ले गए। पुलिस दोनों ही मामले की जाँच में जुट गई। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बघोली के लिए जाने वाले मार्ग के पास बैयर मलाजखंड रोड पर चौबीलाल बर्वे के डेकोरेशन की दुकान में शोरूम है। यह दुकान अमूमन उनकी पत्नी व पुत्र ही संभालते हैं। चौबीलाल बर्वे ने बताया कि बुधवार रात 7:30 बजे दुकान आया था। कुछ देर रुकने के बाद वे और उनकी पत्नी इसके साथ घर चले गए थे। श्री बर्वे ने बताया कि 2 मंजिला दुकान के ऊपर बने कमरों में बेटा रात में वहीं सोता है। बुधवार को बेटे ने रात करीब 9:15 बजे दुकान बंद की और अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया था। रात 12:30 बजे जब वह सीधे दुकान के ऊपर बने अपने कमरे में सोने चला गया। थोड़ी देर बाद बेटा मोबाइल का चार्जर लेने के लिए जब नीचे आए दुकान में आया तो काउंटर के पास पहुंचते ही बेटे ने सामान बिखरा पड़ा हुआ देखा और मुझे फ़ोन पर सूचना दी। मैं तुरंत ही दुकान पहुंचा तो देखा कि काउंटर में रखे लगभग 80,000 रुपये नहीं थे। साथ ही चोर अपने CCTV कैमरे के साथ DVR बॉक्स भी साथ ले गए। रात में दुकान की रखवाली के लिए सुरक्षा गार्ड रहता है, लेकिन बीती रात सुरक्षा गार्ड नहीं आया। रात में जब हमने डायल 100 पर सूचना दी तो पुलिस देर रात मौके पर नहीं पहुंच पाई। बताया गया कि चोर दुकान के सामने की तरफ से अंदर दाखिल हुए थे। वहीं दूसरी वारदात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भटेरा पंप हाउस गली में रहने वाले संतोष शिले, जो आबकारी विभाग में आरक्षक के पद पर सिवनी जिले में पदस्थ है, वार्ड क्रमांक 2 स्थित उनके घर में संतोष की पत्नी निशा चिले, उनका बेटा वो भांजा रहते हैं। निशा चिले ने बताया कि वो अपने छोटे बेटे के इलाज और शादी समारोह में शामिल होने के लिए 13 फरवरी को नागपुर गई थी। गुरुवार की सुबह पड़ोसी ने भांजे को घर में चोरी होने की घटना के बारे में बताया।
भांजे ने उन्हें फोन पर सूचना दी। घर के अंदर आकर देखा तो अलमारी व ड्रॉस सब सामान बिखरा पड़ा हुआ था। निशा चिल्ले के मुताबिक घर में करीब 10,000 रुपये नकदी रखा था, साथ ही सोने चांदी के जेवरात भी चोरी कर लिए गए हैं। पीड़ित परिवार ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से तफ्तीश शुरू की है। जनपद पंचायत किरनापुर के मुख्यालय ग्राम पंचायत के द्वारा मछली पालन के लिए शक्ति स्व सहायता समूह को ग्राम के नकटी बोड़ी में मछली पालन के लिए शक्ति स्व सहायता समूह को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से मछली पालन के लिए तालाब का आवंटन किया गया, लेकिन मछलियों के बड़े हो जाने पर अब ग्राम के ही रविशंकर बर्वे नामक व्यक्ति के द्वारा अपनी दबंगई दिखाते हुए मछली मारकर समूह की महिलाओं का शोषण करने में लगे हुए। 14 फरवरी को समूह की महिलाओं को यह जानकारी लगी कि रविशंकर बर्वे उर्फ मुन्ना बर्वे के द्वारा पंचायत ने जो तालाब उन्हें मछली पालन के लिए आवंटित किया है वहां से मछली मारने का कार्य किया जा रहा है। इस पर समूह की समस्त महिलाएं व उनके परिवार के पुरुष सदस्य भी मौका स्थल पर पहुंचे और रविशंकर बर्वे के द्वारा मछली मारते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं उनकी जाल व मछली लेकर सबसे पहले पुलिस थाना पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि यह ग्राम पंचायत का मामला है तो समूह की समस्त महिलाएं ग्राम पंचायत किरनापुर समस्त मछली पकड़ने की जाल व अन्य सामग्री लेकर वहां पहुंची तथा इस समस्या का निराकरण करने की मांग पंचायत पदाधिकारियों से करने लगी। इस मामले की बोलने चाहूंगी कि हमारी पंचायत के दरमियान से हमको तालाब देने में आया है कि चलो आज हमारा तालाब है तो तुम ही मछली मारो, तुम्हारा पाल हो जाएगा रोजगार। पंचायत से आपको मछली पालन के लिए तालाब मिला है? हाँ। फिर आप लोगों ने बीज वगैरह डाले वहाँ? हाँ सर, बीज डाल दी हमने, तो भी हमारा 2 लाख का वहाँ पैसा फंसाया हमने, बीज डलवा के हो गई है। इसी दरमियान से हम बोलेंगे कि हम मछली का इन्हें मारने जाने ही वाले थे, हम देखने जाने वाले थे, जो हमारे जो भैया बोलते हैं बड़े भैया है मुन्ना जी बर्वे, उन्होंने 12 के एक दरमियान पर उन्होंने मछली मारे और उनको पता है कि मेरा वहाँ कोई काम नहीं है मछली का, तो भी उन्होंने जबरदस्ती से मछली मारने का काम किया, जबरन मछली पकड़े जबरन आपके तालाब आपके हमारा ही बोलो या पंचायत का तालाब? हाँ, पंचायत ने आपको दी तो अभी आपका है। हाँ। उससे बात करने में क्या बोलते मुन्ना बर्वे जी, क्या बोलते? वो बोलते हैं कि मैंने पहले मछली डाला था जो 10 साल पहले बोलो या 5 साल पहले, तो मैं वो मछली मार रहा हूँ, मैंने बीजा डलवाया हूँ, तो किस दरमियान से बीजा डलवाया है, उनके नाम पे तो आया नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने मछली का बीज वहाँ डाले हैं? हाँ। कब डाले थे ये? हमने डाले हैं 2023 में। पंचायत को जानकारी है? हाँ, पंचायत को जानकारी है, सरपंच पंच सब साथ में थे हमारे, सभी सरपंच वगैरह सभी साथ में थे, उनकी सहमति से हमने मछली का बीज डलवाया है वहाँ पर। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ये मछली नहीं मारना चाहिए, जो हमारे मछली है वो क्यों मारे हमारी मछली, हमको दी ना पंचायत ने, तो उस पर आपका अधिकार है, उसको हमारा अधिकार है, उनका नहीं है अधिकार, मछली मारने का भी आपका अधिकार है, उनको कोई हक नहीं है, यही कहना चाहते हैं। क्योंकि हम बार बार क्यों हम पुलिस थाने में जाएं, क्यों कार्रवाई करें, हमारे घर के बड़े हैं ना, उनको समझना चाहिए। पंचायत के अधीनस्थ एक बोड़ी आती है नकटी बोड़ी, वो सर संबंधि से हमने प्रस्ताव लेके इन महिलाओं को रोजगार के लिए मछली पालन के लिए दिया था, जिसमें इन लोगों ने 80 से 90 हज़ार रुपये का बीज डाला था और इनके द्वारा अभी तक एक भी बार मछली नहीं मारी गई, और इन्हीं के समाज के एक व्यक्ति है मुन्ना बर्वे जी, उनके द्वारा चोरी करके वहां से मछलियां मारी जा रही है और जिसकी शिकायत थाने में भी की गई है, और इसी पर्पज़ से ये लोग आए हैं, आज इन लोगों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा और ये सारी सामग्री जब्त की। अब आगे पंचायत द्वारा क्या जी टी आई सर द्वारा तो बोला गया है कि पंचायत अपने स्तर पे इसका निराकरण करे, क्योंकि ये पंचायत के अधीनस्थ आता है तालाब या बोड़ी जो भी है, तो पंचायत ने इन महिलाओं को रोजगार के तहत 12 महिलाओं को वो तालाब दिया था, तो पंचायत यही चाहती है कि इन लोग वहाँ मछली पालन करें और अपना परिवार चलाएं। अच्छा, इन लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर क्या हो पाएगा? ये जब तक के समूह को पंचायत द्वारा दिया गया तब तक के तो उन्हीं लोग करेंगे इस पे काम, और अगर इसके बाद भी अगर मुन्ना बर्वे जी द्वारा दोबारा ऐसा कृत किया जाता है तो कार्रवाई करेगी पंचायत उसको। बोड़ी वहाँ तालाब में बीज डाले हैं तो वहाँ पर चोरी हो रही थी, इसीलिए उसी वजह से हमको पंचायत ने तालाब दी थी, वो तालाब में चोरी हुई उसी के इसमें मामले में। पंचायत ने अनुमति दी वहाँ मछली पालन के लिए? हाँ, हमको अनुमति दी है, तो उसके लिए यहाँ पर आना पड़ा। तो आप लोगों ने बीज वगैरह डाले? हाँ जी। है ना, मछली बीज, तो उन मछली कौन मार रहा है या पकड़ रहा है?
वो हमारे ही समाज के हैं। नाम बताओ। रविशंकर बर्वे। उन्होंने चोरी उनको चोरी करते हुए पकड़े हैं। फिर आप लोगों ने शिकायत वगैरह की इसकी? हाँ जी, थाने में डाले थे। उन्होंने बोले पंचायत का मैटर है, आप पंचायत से ही निपटो। इसलिए आप सभी पंचायत ये जो जाली लेके आए वो किसकी जाली है? वो उन्हीं की है जो चोरी से पकड़े। अच्छा, चोरी कर रहे थे? ये चोरी कितने समय की थी? कब मतलब मार रहे थे मछली? 12-1 बजे के बीच में, रात में? नहीं, दिन में। दिन की चोरी कहाँ? चोरी कहलाई कि वो जानबूझ के मतलब रामपाली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम मेंढकी के पीपर टोला में इसी ग्राम के एक 60 वर्षीय व्यक्ति की खेत के कुएं से शव बरामद किया गया है। मृतक चैनलाल पिता स्वर्गीय भूरिया भोयर 60 वर्ष के कुएं में गिरने से मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। रामपाली पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर जाँच की जा रही है। 14 फरवरी को सुबह 4 बजे चैनलाल घर से निकला था किंतु वह घर नहीं लौटा। 9 बजे पीपर टोला के ही प्रकाश उइके के खेत के कुएं में चैनलाल का शव देखा गया। सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिवार के लोग वहां पहुंचे। इसकी रिपोर्ट तेजलाल भोयर ने रामपाली पुलिस थाने में की थी, जहां से पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर प्रकाश उइके के खेत से चैनलाल का शव बाहर निकलवाया और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात चैनलाल के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की गई है कि चैनलाल पानी लेते समय कुएं में फिसल कर गिर गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई होगी। आगे मर्ग जाँच की जा रही है। बनगंगा नदी के बड़े पुल के नीचे एक लड़की और एक युवक ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया और हालत बिगड़ने पर दोनों लिफ्ट लेकर जिला अस्पताल में पहुंचे, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह घटना प्रेम संबंध के चलते हुई। जिला अस्पताल में भर्ती 21 वर्षीय लड़की कोतवाली क्षेत्र के रहने वाली है, तो युवक शुभम पिता यादवराव वरकड़े 21 वर्ष ग्राम कनकी थाना लालबरा निवासी है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ 21 वर्षीय लड़की कक्षा 9वीं तक पढ़ी है, जो अपने घर में सिलाई का काम करती है। इसके माता पिता भाई मजदूरी करते हैं। शुभम वरकड़े भी मिस्त्री का काम करता है, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, जिसकी भी बड़ी बहन है। बताया गया कि 4 वर्ष से लड़की और शुभम के बीच जान पहचान और प्रेम संबंध थे। दोनों एक दूसरे से मोबाइल से बातचीत किया करते थे। लड़की की शादी उसके माता पिता ने महाराष्ट्र राज्य के एक लड़के से तय कर दी थी। पिछले माह सगाई हुई थी और आने वाले महीनों में शादी होने वाली थी, किंतु शुभम वरकड़े इस लड़की को चाहता था और उसे शादी करना चाहता था। शुभम वरकड़े ने इस लड़की के मंगेतर का मोबाइल नंबर लेकर उससे फ़ोन करके अपने रिश्ते के बारे में उसे बताया। 15 फरवरी को शुभम वरकड़े ने लड़की को फ़ोन करके गर्रा ने बोला। यह लड़की गर्रा पहुंची और शुभम वरकड़े ने इस लड़की को धमकाया कि अगर मुझसे शादी नहीं किया तो मैं पुल से कूद जाऊँगा। यह लड़की अपने साथ ही कीटनाशक दवा लेकर भी आई थी। शादी के इस तनातनी से परेशान होकर इस लड़की और शुभम वरकड़े ने नदी के पुलिया के नीचे कीटनाशक दवाई का दोनों ने सेवन कर लिया। कीटनाशक दवाई के सेवन करने के बाद हालत बिगड़ने पर यह लड़की और शुभम वरकड़े किसी से लिफ्ट लेकर जिला अस्पताल पहुँचे। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों को सूचना मिलने पर दोनों के परिवार के लोग भी जिला अस्पताल पहुँच गए। कीटनाशक के सेवन से शुभम वरकड़े की हालत गंभीर बताई जा रही है। जनपद पंचायत बारासुनी के अंतर्गत आने वाले मेहंदीवाड़ा से खापा मार पर गुजरे मुख्य नहर पर बने पुलिया पर रोड के दोनों तरफ बनाई गई सेफ्टी वाल क्षतिग्रस्त हो गई। आधी आधी वहाँ टूट भी चुकी है, जो सीधे दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। आपको बता दें कि बारासुनी से खैलांजी के अंतिम ग्राम तक पहुँचने वाली मुख्य नहर पर मेहंदीवाड़ा से खापा पहुँच मार्ग पर पुलिया बना हुआ है, जिसके दोनों ओर सेफ्टी वाल तो बनी है, परंतु सेफ्टी वाल पुलिया के दोनों छोर पर बीच में है, जहां रोड के दोनों किनारे बनी सेफ्टी वाल के चारों छोर पर 5 से 7 फीट सेफ्टी वाल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहां पर किसी प्रकार के सेफ्टी वाल नहीं है। ऐसे में नए व्यक्ति दिन के उजाले अंधेरे में आता है तो वह सेफ्टी वाल देखकर पुलिया को समझने पर उनका वाहन नहर में गिर सकता है, जिससे एक बड़ी जनहानि होने की संभावना बनी रहती है। यहां स्थिति पुलिया के दोनों छोर पर है। उक्त विषय को लेकर संबंधित अधिकारी से दूरभाष पर चर्चा करने का भी प्रयास किया, परंतु संपर्क नहीं हो पाया। रोड से 10-10 फीट 5-5 फीट दीवार दोनों साइड टूटी हुई है। आने जाने वालों को रोड समझ में नहीं आती कि रोड कहाँ है, पुलिया कहाँ है, सीधे नहर में घुसने का डर बना हुआ है। जैसे ये मार्ग पे कौन कौन आना जाना करते हैं और कितने गांव के लोग? साहब, ये तो इंडस्ट्रियल एरिया का रोड है। इस रोड में जितने गाँव के लोगों का जाना नहीं है, उतना इंडस्ट्रियल लोगों का आने जाना है। ये मार्ग है सर मेहंदीवाड़ा से खापा, ये खापा कैप का रास्ता है सर, इसमें हजारों ट्रक गुजरते हैं। किस प्रकार से अभी समस्या बनी हुई है? समस्या ये है सर, ये जो नहर का पुल है ये जर्जर हो गया है। इसकी जो रेलिंग है ये समझ में ही नहीं आता, रात के समय में इसमें हादसा कभी भी हो सकता है।
कम से कम 10 फीट ये आगे होना चाहिए चारों तरफ, 10 फीट इधर 10 फीट उधर। प्रकार की यहाँ समस्या बनी हुई है, यहाँ पे समस्या बहुत खतरनाक बनी हुई कंडीशन में, यहाँ पे कई सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं इस जगह पे। क्या आधा पुल बना हुआ है, इस साइड में भी 5 फीट टूटा हुआ है, उस साइड में भी 5 फीट टूटा हुआ है। कंडीशन ये है कि ट्रक अगर आते हैं तो बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है यहाँ से आने जाने के लिए, मेन कंडीशन ये है। और बच्चों के साथ में कई सारे यहाँ पे हादसा भी हो चुका है, मैंने बहुत तकलीफें हैं इस रोड। वारासुनी पुलिस थाना के अंतर्गत ग्राम नेवरगा वारासुनी में दीवार गिरता देख भागने से चंद्रलाल जामरे गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान यह अच्छा रहा कि वह दीवार की चपेट में आने से बच गए, वरना एक बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेवरगा वारासुनी निवासी मंगल सिंह चौधरी के निवास पर मकान तोड़ने का कार्य चल रहा था, जहाँ पर कुछ मजदूरों के साथ चरणलाल यादवराम जामरे उम्र 60 वर्ष नेवरगा वारासुनी निवासी के द्वारा मजदूरी पर मिलकर मकान तोड़ने का कार्य किया जा रहा था। 15 फरवरी को सभी मजदूर मकान तोड़ने का कार्य कर रहे थे, अचानक एक बड़ी दीवार गिरने से जहां सभी मजदूरों के साथ चरणलाल जामरे भागा, परंतु वह नीचे रखे हुए कबेलू व अन्य सामग्री से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे उसके साथियों ने उठाकर तत्कालीन शासकीय सिविल अस्पताल आकर भर्ती किया, जहाँ उनका प्राथमिक उपचार किया गया। इस दौरान दीवार गिरने की हरकत देख सभी मजदूर भागे और उनके पीछे दीवार भरभराकर धराशायी हो गई। इस दौरान अच्छा रहा कि कोई मजदूर इस दीवार की चपेट में नहीं आया, वरना एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। घटना हुई क्या है पूरा? मकान काम चालू था तो दौड़ते दौड़ते गिर गए, कभी कोई भाग यहाँ पे लग गया। क्यों भाग क्यों रहे थे? दीवार गिराने काम चालू था तो दीवार गिर रही है तो करके भागे। कितने बजे की घटना है? ये भी समथिंग आधे घंटे। क्या नाम लिखते और कहाँ के रहने वाले? नेवरगांव रहते हैं, चरण जाम। और घर किसका तोड़ रहे थे? घर मंगल सिंह चौधरी। तो अभी अस्पताल लेके आए, क्या स्थिति है? स्थिति ठीक है, बस थोड़ा सा घबरा है।